हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में। मुंबई के एक ऑफिस में रेखा नाम की एक लड़की काम करती थी। उसे अपने काम के अलावा किसी का काम पसंद नहीं आता था। वह अपने ऑफिस के कलीग्स और अपने आसपास के लोगों में भी हमेशा कमियां ही निकालती रहती थी। एक दिन रेखा अपने ऑफिस में अपना काम कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र अपने सामने वाली बिल्डिंग में कपड़े सुखाती हुई एक महिला पर पड़ी। उसको देखते ही रेखा अपने पास बैठे सहकर्मी से बोली, देखो तो ज़रा यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है और उसने खुद भी कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। और तो और इसका घर तो देखो कितना गंदा हो रखा है। उसकी सहकर्मी ने भी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। एक दिन जब रेखा अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी और उसकी बुराइयां कर रही थी, तभी उसके बॉस उसके कैबिन में आ गए। बॉस ने कहा, रेखा आप कहाँ देख रही हैं, आपका मन अपने काम में नहीं लग रहा है क्या? तभी रेखा अचानक से अपनी सीट से खड़ी हो गई और बोली, नहीं सर, वो मैं तो बस उस महिला को देख रही थी जो रोज गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। लोग अपने काम के प्रति कितने लापरवाह होते हैं, देखिए ना सर। बॉस की नज़र भी वहाँ पड़ी और बॉस ने रेखा से कहा, अब कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखें तो मुझे बुला लेना। अगले दिन जब रेखा की नज़र उस महिला पर पड़ी तो तुरंत उसने अपने बॉस को बुलाया और बोली, अरे सर, यह महिला तो आज साफ कपड़े सुखा रही है और कपड़े इसने साफ ही पहने हुए हैं। लगता है आप उसे कल कुछ बोल कर आए हैं क्या? बॉस मुस्कुराए और बोले, रेखा यह महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती है और रोज यह साफ कपड़े ही पहनती है। उसका घर भी साफ ही था। बस कल शाम आपके जाने के बाद मैंने आपके सामने का शीशा, जिससे आप उसे देखती हैं, उस पर बहुत धूल लगी हुई थी, उसे अच्छे से साफ करा दिया है। यह सुनकर रेखा मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तो दोस्तों, यह दुनिया, यहाँ के लोग और हमारे आसपास की चीज़ें हमें वैसे ही दिखाई देती हैं जैसा हम सोचते हैं। जिस दृष्टिकोण से हम उन्हें देखते हैं, उसी दृष्टिकोण से आपको आपके सामने की आसपास की वस्तुएं नजर आएंगी। तो अच्छा सोचिए और अपने काम में अपना मन लगाइए। वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।